मोहम्मद जिलानी हैं बरेली से, उनसे बात कर लेते हैं। जिलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बरेली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद जिलानी। आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी, माशाल्लाह। तो जी उस रोज भी मैं देख रहा था, तो मैंने नंबर ट्राई करा, सही बार ट्राई करा, उसके बाद में लग पाया है। जिलानी जी, आज तो आपका लकी दिन है कि नंबर भी लग गया है, हकीम साहब भी मौजूद हैं, आपको सुन रहे हैं। आप तो बहुत लकी हैं। चलिए, आज सवाल क्या पूछने वाले हैं आप? सवाल ये है कि मेरी बीवी जो है, वाइफ, वो उन्हें पसीना जो आ जाते हैं, थकान सी होती है, और जैसे बैठ जाती हैं तो उठने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं ये चाह रहा था कि हकीम साहब को बता करके कोई घरेलू नुस्खे उनके लिए ऐसा हो जाए। अच्छा, उनकी उम्र बताइए और कद और वजन बताइए। उम्र उनकी जो है 42 के करीब है जी। और वजन, वजन उनका जो मैंने पहले बताया था आपकी टीम को, तो 70 से 78 बताया था, लेकिन इतना नहीं है, वही मैंने पता किया था, तो 52-53 है वजन। अच्छा। ज्यादा। और कद काठी कितनी रहेगी उनकी? 5 फीट 5 जी, ज्यादा नहीं जी। अच्छा, देखिए ये उम्र है जहाँ हमें बीमारियाँ अपने शिकंजे में लेना शुरू करती हैं और हिम्मत कम हो जाती है, और बेशतर लोगों का जिस्म बढ़ जाता है। जितना जिस्म कम हो और उतना अच्छा है, जितने उम्र दराजी हो उतना जिस्म या वज़न कम होना बेहतर है। और एक घरेलू नुस्खा आप लीजिए और उसको इस्तेमाल करिए। देखिए, धनिया, सौंठ और सुरंजान, ये तीन चीज़ें हम वजन लेकर, सुरंजान शीरी लेना, हम वजन लेकर पाउडर बना लें, और दो चुटकी, ये चुटकी है, दो चुटकी रोज़ाना आप खाएं सुबह खाने के बाद, और दो चुटकी शाम को खाने के बाद, पानी से ही लें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है।